अब मैं इसी कस्बा गंगौली के उभरते हुए शायर जनाब नदीम अहमद गंगौलवी से गुजारिश कर रहा हूँ, वो माइक पे तशरीफ ले आए और थोड़ा वक्त का ध्यान रहे क्योंकि हमारे शोरा एजाम माइक स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं, वक्त का लिहाज करते हुए क्योंकि हम भी बहुत दिन भर के थके हैं, अब सोचते हैं कोई संभाले इसको। हजरात ग्रामी शोरा इकराम और आज इस नातिये मुशारे के सदारत फरमा रहे जनाब नईम सिद्दीकी साहब और निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं जनाब रजब अली शेरवानी साहब और हमारे खुशी मेहमान शोरा इकराम शाह खालिद साहब साहब नमानी और आदिल हरा तशरीफ ला चुके हैं। मैं वक्त का ख्याल करते हुए यहाँ से मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ और आप सबकी दुआ चाहता हूँ, पढ़ता हूँ समाप्त करें। आसमां से कभी तारों से बगावत करके आसमां से कभी तारों से बगावत करके आसमां से कभी कि आसमां से कभी तारों से बगावत करके अरे चांद को पाया है हाँ चांद को पाया है मैंने सजदे में ही पा जाता है जन्नत कोई एक सजदे में ही एक सजदे में ही पा जाता है जन्नत कोई बहुत अच्छे करके कोई पाता नहीं। यहां से मैं एक पूरी नात मुकम्मल नात बाक हाजिर करता हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं, पढ़ता हूं समाप्त करें। साहब नमान नात सरकार जो सजा लेते हैं नात सरकार जो होठों पे सजा लेते हैं क्या अपनी सोई हुई तकदीरें जगा लेते हैं अपनी सोई हुई तकदीरें जगा लेते हैं और बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब मौलाना जावेद अख्तर कासिमी साहब, वो स्टेज पे तशरीफ ले मौलाना जावेद अहमद कासिमी साहब। हर घड़ी
दुश्मन को जान दुश्मन को भी सीने से लगा लेते हैं क्या अपनी सोई हुई तकदीरे जगा लेते अपनी सोई हुई तकदीरें जगा लेते हैं और इस कमलनाथ पाक का आखिरी बंद हाजिर करता हूं कश्तियां हम भी जलाने का हुनर रखते हैं कश्तियां हम भी जलाने का हुनर रखते हैं धूल दुश्मन को कश्तियां हम भी जलाने का हुनर रखते हैं धूल दुश्मन को चटाने का हुनर रखते हैं हुक्म दुनिया को चलाने का हुनर रखते हैं वक्त पड़ते जमाने को झुका लेते हैं क्या अपनी सोई हुई तकदीरें जगा लेते हैं अपनी सोई हुई तकदीरें जगा लेते बहुत खूब बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने